हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो। ये देखिए, ये है प्लांट यूफोर्बिया मिलिका। यूफोर्बिया मिलिका जो प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और इसकी आज हम कटिंग से इसको लगाना सीखेंगे कि कैसे इसकी कटिंग लगाई जाती है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने यूफोर्बिया मिली जो एक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसमें कांटे भी होते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम यूफोर्बिया मिली होता है और फैमिली यूफोर्बियासी होती है। इसको एक और नाम से जानते हैं, द क्राउन ऑफ थॉर्न्स। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। देखिए, अभी जो आपको हम दिखा रहे थे, इसमें इसको दो तीन दिन, जिसकी जो कटिंग जो है वो दो तीन दिन काट के छाया में सुखा लेनी चाहिए, ताकि जो नीचे का पोर्शन होता है, जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, उसका जो है अच्छे से सूख जाए। धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है, ताकि उसमें फंगस का अटैक ना हो सके। तो ये हमने जो मिट्टी ली है, इस मिट्टी को पहले ही मॉइस्ट कर लिया है, स्पेशली इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, और मिट्टी में क्रैक ना आए बाद में कटिंग लगाने के बाद में, इसलिए हमने पहले से ही मिट्टी को मॉइस्ट कर लिया है। अब इसको हम इसमें गमले में भर लेंगे और इसको हल्का सा दबा देंगे। दबाने के बाद इसकी जो कटिंग है, ये हमने लगभग तीन दिन सुखा लिए हैं छाया में। ये देखिए, इसके कांटे थोड़ा सा लूज हो गए हैं। इस टाइप में इसको बिठा देंगे लगभग दो इंच, और थोड़ी सी मिट्टी रख के इसको हाथ से नहीं दबाना है। कटिंग लगाने के बाद एक कोई लकड़ी लेके इसको साइड में इसको हल्का हल्का दबा देना है, ताकि जो इसका एयर स्पेस है वो कम हो जाए। अभी हम इसको एक लकड़ी से, ये हमारे पास लकड़ी है, इसकी सहायता से धीरे धीरे इसके साइड में हम दबा देते हैं, ताकि हिले डुले नहीं और एक जगह पर स्थिर हो जाए। इस तरीके से लगा लेते हैं, और इसमें कटिंग लगाते समय ध्यान रखें कि एक दो पत्तियां जो ऊपर की हैं वो छोड़ के सारी पत्तियों को तोड़ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हम कंप्लीट हो चुका है हमारा एक गमला। ये प्लांट इतना हार्डी होता है कि कभी ये मरता ही नहीं। इसको एक बार कटिंग कहीं से भी, आपको अगर कहीं भी जाते हैं, आपको रास्ते में दिख जाए किसी के यहाँ लगा हो, तो उसकी बस छोटी सी एक कटिंग ले लीजिए, लगभग तीन से चार इंच की। ये तो हमने बहुत बड़ी बड़ी कटिंग ली है, लेकिन दो इसमें बहुत छोटी भी हैं। और ये देखिए, इसके कलर भी बहुत सारे आते हैं। अगर नर्सरी से आप परचेज करने जाएंगे तो इसके बहुत सारे कलर मिलेंगे। तो हर कलर का ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट मिलता है, और इसको बंदर भी नुकसान नहीं करते। इसमें इतना फ्लावरिंग आती है, बहुत अच्छे फ्लावर, बिल्कुल प्लास्टिक के तरीके से फ्लावर निकलते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है इसमें, और पूरा साल इसमें फ्लावर निकलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको जहाँ कहीं मिल जाए इसकी आप कटिंग लगा लीजिए, आसानी से जाती है। इसकी जो मिट्टी हमने तैयार की है, इस मिट्टी में कोई भी वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि केवल एक कटिंग लगा रहे हैं। अभी इसमें रूट्स नहीं है, तो इसको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, नहीं तो ये इसमें रॉटिंग हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएंगी। जब इसमें नए कल्ले निकलने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी कलिंग जो कटिंग है वो ग्रो हो चुकी है। उसके बाद ही जब इसको रिपॉट करेंगे, तब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर देंगे। तो इस तरीके से हम सारे प्लांट्स में लगा लेते हैं। ये देखिए, लग चुके हैं। अब ये बचे हैं हमारे पास दो छोटे कटिंग, जो बहुत ही छोटी हैं। अभी हम इसको लगा देंगे। इसके जो फ्लावर पत्तियां जो भी दिख रहे हैं वो आप रिमूव कर दीजिए, और ये इसमें होल था नीचे पानी रिसाव के लिए, तो हमने इसमें ठिकरी रख दी है। इस तरीके से हम ये भी लास्ट है, इसमें हम दो लगाएंगे कटिंग, क्योंकि ये छोटी कटिंग है। जब इसमें रूटिंग हो जाएगी और लगभग 20 से 25 दिन लगेगा, उसके बाद इसमें नए नए कलर निकलने लगेंगे, तब हम इसको रिपॉट करेंगे। इस तरीके से हम इसमें दो कर छेद कर लेते हैं, लगभग डेढ़ से दो इंच के, और उसमें हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए, एकदम कटिंग जो है मुलायम हो चुकी है, क्योंकि ये दो दिन तीन दिन से छाया में रखी हुई है। इसको भी हम लकड़ी से आसानी से दबा देंगे,
और जब तक ये कटिंग नए कल्ले नहीं आते तब तक इनको बिल्कुल छाया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है। अब इसमें बस छाया में आपको रखना है, इसमें भले ही बिल्कुल आपके पास अंधेरे में ना रखिए, लेकिन ऐसी जगह रखिए जहाँ पर हवा का आवागमन होता रहे लेकिन धूप डायरेक्टली ना मिले। अब इसमें हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी देंगे क्योंकि मिट्टी पहले से ही मॉइस्ट है, और इसको हम छाया में रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक प्लास्टिक का पार्ट है जिसमें हमने लगाया है, तीन ये प्लास्टिक के पार्ट में लगा दिए हैं और दो हमारे पास ये खाली सीमेंट के पार्ट थे जो हमने घर पे ही तैयार किए थे, तो इसमें लगा दिए हैं कटिंग। अभी हमारी कटिंग एकदम रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।